दोस्तों बात करें तो एप्पल जैसी कंपनी के लिए आज के समय में सबसे बड़ा लीक हो गया। ध्यान रखिए, पूरी टेक इंडस्ट्री के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि अभी भी क्या होता था कि एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बाद में पता चलता था। कभी भी आपको ऐसा नहीं होता था कि किसी ने प्रोडक्ट लीक करके उसका यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग और रिव्यू पहले डाल दिया। बेसिकली यहाँ पर ये हुआ, एप्पल अपने मैकबुक M4 वाले उनके आने वाले हैं और वो लैपटॉप्स ऑलरेडी यहाँ पे रशिया के यूट्यूबर्स के पास आ गए और वो उन्होंने उसके अनबॉक्सिंग करके उसके वीडियोस भी बना दिया। अब पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन ये सबसे बड़ा लीक है क्योंकि एप्पल ने अभी तक उसके बारे में कोई बात नहीं करी, ये नहीं बताया वो कब लॉन्च होने वाले हैं। रूमर्स चल रहे कि वो लॉन्च होंगी, लॉन्च इवेंट होगा, लेकिन एप्पल की तरफ से ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई। लेकिन उससे पहले ये लैपटॉप्स मार्केट में आके यहाँ पे उसके रिव्यूज़ वगैरह क्रिएट कर दिए। हालांकि एप्पल जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है और ये रशियन यूट्यूबर और रशिया और अमेरिका के बीच में कुछ खास चलता नहीं है, इस वजह से शायद एप्पल यूट्यूबर्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन कहा जाता है कि शायद चाइना की फैक्ट्री से चोरी होकर यहाँ पर आ गए। वेल, देखने वाली बात है। लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ है कि इससे पहले भी लीक्स हुआ करते थे और छोटी मोटी चीज़ें सामने आती थी कि यार यार ये ज़्यादा से ज़्यादा डमी यूनिट हम देख लेते थे, लेकिन इस बार पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही आप देख रहे हो, उसके बेंचमार्क्स वगैरह अवेलेबल हो गए, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग, काफ़ी हाई लगते हैं। लेकिन इस टाइप की चीज़ें होती नहीं थी। इससे पहले इससे बड़ा जो लीक जो हुए थे ना, वो गूगल पिक्सल के हुए थे, जहां पे गूगल पिक्सल ब्लैक मार्केट में बिकने लग गया था। और ऐसा हर साल गूगल पिक्सल के लिए होता है और कई बार चाइनीज फोन होते हैं वो भी कई बार दिख जाते हैं, लेकिन इतने बड़े लीक नहीं होते कि जो रिटेल पैकेजिंग रिटेल बॉक्स होता है वही मार्केट में चला गया, ऐसा अक्सर नहीं होता है। इससे पहले जो सबसे बड़ा लीक हुआ था एप्पल के साथ 2010 में हुआ था, जब स्टीव जॉब्स थे और आईफोन 4 का लीक था, जहां पे एप्पल का इंजीनियर था आईफोन 4 का प्रोटोटाइप लेके जेब में घूम रहा था और एक बार में कॉल वगैरह अटेंड करी, उसके बाद टेबल पे रखा उसे और छोड़ के चलाकर वहां पे किसी ने उसे ले लिया, फिर किसी पब्लिकेशन को भेज दिया, वहां पे उन्होंने उसकी स्टोरी कर दी, न्यूज वगैरह बना दी। वो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज थी जो उन्हें लगा था कि यार इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती से एक प्रोटोटाइप यहां पे छोड़ गया था उनका। लेकिन ये तो यार नेक्स्ट लेवल की चीज यहां पर हो रही है, देखते हैं यहां पर क्या रहता है। लेकिन हाँ यार, M4 चिप को देख के बोल सकता हूं कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस उसकी मार्केट में जितनी भी प्रोडक्शन रेडी चिप्स है लैपटॉप्स के, उसमें सबसे ज्यादा यहां पर निकल रही है। ये एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई थी, तो वो भी एक देखने वाली बात है यहाँ पे। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा आपसे नेक्स्ट जनरेशन SOCs की, जो ऑलरेडी मार्केट में आ गई है, और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ Dimensity 7400 की, जो नए TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यहाँ पर डेडिकेटेड AI का सपोर्ट है, इवन ये सपोर्ट करेगा जेमिनी नैनो को, यानी कि गूगल जेमिनी को ऑन डिवाइस इस चिप के साथ रन किया जा सकता है। कॉर्टेक्स X925 के कोर्स है 3.62 GHz के साथ और 3 कॉर्टेक्स X4 आर्किटेक्चर और 4 कॉर्टेक्स A720 कोर्स है। इसके साथ ही LPDDR5X की मेमोरी और अप टू 10.7 GBPS की स्पीड है। UFS 4.0 स्टोरेज का सपोर्ट, 4K वीडियो 120fps में Wi-Fi 7, ये सब देखने को मिल रहा है। यानी कि आज के समय में चिप आपको देखने को मिल रही है और इसके जो फोन से वीवो अपनी X200 सीरीज में इसको इंट्रोड्यूस करने वाली है, जो कि देख के काफी इंटरेस्टिंग लगता है। ये एक देखने वाली बात है यहाँ पे। इसके साथ ही यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ आपसे चिप्स के बारे में जो गैलेक्सी S25 को पावर कर सकते हैं, वो हो सकती है Dimensity 9400। रूमर्स आ रहे हैं कि Dimensity 9400 गैलेक्सी S25 के बेस मॉडल में डालेंगे, लेकिन हमें पता है कि सैमसंग और क्वालकॉम की डील है जहां पे स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी बेचते हैं, तो देखने वाली बात है कि सैमसंग के फोन के अंदर अब आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलेगा या मीडियाटेक मिलेगा या एक्सनोस मिलेगा, देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही बात करें तो सैमसंग से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है कि सैमसंग का अपकमिंग जो मिड रेंज फोन या बजट फोन आ रहा है गैलेक्सी A16, वहां पे लोग 6 ईयर के सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि 6 साल के अपडेट ₹20,000 के नीचे के फोन के अंदर हमने तो नहीं सुना था। और एक से सवाल आता है कि फोन कैसे हैंडल कर लेगा कि नहीं कर लेगा। देखो, 2-3 बातें, सैमसंग इसको ऑप्टिमाइज करे और जो नए जो आगे चल के जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स आएंगे अगर उनको कम कर ले और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करे तो चीज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। बस यहाँ पे एक चीज होगी कि फीचर्स के अंदर थोड़ा कट डाउन किया जा सकता है, लेकिन इससे पता चलता है कि एक डिवाइस को आप लॉन्जिटिविटी या लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। और अगर ₹15,000 का फोन अगर आप 6 साल तक चला रहे हैं यार, वो वैल्यू फॉर मनी तो यहाँ पे लगेगा। हालांकि ये बात है कि इंडिया में जो वेरियंट लाने वाले उसमें प्रोसेसर कौन सा होता है, कुछ लोग कहना इसमें एक्सनोस होगा, कुछ लोग कहना है कि इसके अंदर Dimensity होगा। अब देखो यार, दोनों ही प्रोसेसर इतने खास नहीं है, मैं सच बताना चाहूंगा। Dimensity थोड़ा सा बेटर कह सकता हूं, लेकिन एक्सनोस की हालत बजट में तो आपको पता ही, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ यार, अगर इसका अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइजेशन, उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करे और 6 साल तक मान लो सॉफ्टवेयर अपडेट दे भी दिया, लेकिन 4 साल तक अगर फोन भी ढंग का चल गया तो उसके पैसे में वसूल समझूंगा। इसके साथ ही आपको एक बात बता सकता हूँ कि कई लोगों को लगता है कि एक नए एंड्रॉइड वर्जन को चलाने के लिए आपको शायद ज्यादा सिस्टम रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़े, पर एक्जैक्टली में ऐसा नहीं है। एक्जैक्टली में मैं बताऊँ क्या है कि यहाँ पे जो सिस्टम रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि एंड्रॉइड 15 के बारे में बात करें तो उसे चलाने के लिए 4GB की रैम चाहिए, 64GB की स्टोरेज चाहिए और बस 1.2 GHz का एक डुअल कोर प्रोसेसर
प्रोसेसर चाहिए और 64 बिट वाला। दैट्स इट, एंड्रॉइड की जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो लिटरली काफी कम रखी गई है और उसके अंदर जो इवोल्यूशन होता है ना वो इतनी तेजी से नहीं आता कि हर जनरेशन में नया वर्जन आ रहा है। इवन यार 2 GB रैम पे विंडोज 11 भी चला लेते हैं लोग, तो खैर वो बात एक अलग है। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन किया जाए, सही तरीके से रिसोर्सेज को यूज किया जाए, तो 6 अपडेट नहीं लेकिन 3-4 अपडेट में भी अगर स्मूथ एक्सपीरियंस निकल गया तो एक अच्छी बात है। लेकिन फिर डिपेंड करता है कि फोन यहाँ पे कैसा और भी काफी सारी चीजें जो फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं यार सेल पीरियड के बारे में। पिछले हफ्ते जैसा आप लोग को पता है कि यहाँ पे काफी अच्छी सेल्स हुई थी, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे था, अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल थी और यहाँ पे जो कंपनीज जिन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई उसमें से एक है सैमसंग, काफी फोन्स बेचे, शाओमी ने बहुत अच्छे फोन्स बेचे, इवन एप्पल ने बहुत फोन्स बेचे। इवन रिपोर्ट से पता चल गया आईफोन 15 यहाँ पे 10 लाख बेच दिया है फ्लिपकार्ट ने, बहुत बड़ा नंबर होता है। इसके साथ यहाँ पे बात करें वीवो भी है, यहाँ पे ओप्पो भी है और रियलमी ने भी यहाँ पे बहुत सारे फोन्स बेचे हैं जो कि देखा है तो काफी इंटरेस्टिंग रहा। और देखा जाए तो तकरीबन $3 बिलियन के स्मार्टफोन सेल हो गए सिर्फ इंडिया में एक हफ्ते के अंदर, कमाल का नंबर है। खैर काफी सारे लोग इंतजार करते हैं एक सेल का जहाँ पे वो लोग नया मोबाइल फोन को परचेज करना चाहते हैं और उनको एक मौका मिला जहाँ पे नए फोन डिस्काउंटेड रेट में थे और लोगों ने जाके उन्हें परचेज किया, बहुत अच्छी चीज है। और अगर आप ये देख रहे हो कि आपकी जरूरत की क्या चीज है तो ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि देखा तो हाइप पे काफी सारी चीजें बेचती जाती है लेकिन सेल पीरियड एक ऐसी चीज रहती है जहां पे आपको काफी अफोर्डेबल रेट में काफी अच्छे प्रोडक्ट्स कई बार देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही एक और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आई है कि यहां पर देखा तो आईफोन 16 प्रो मैक्स जो उसको बनाने की जो कीमत है 256 GB वाले वर्जन की वो है अराउंड $485 यानी कि रफली 30,000 रुपीज। हालांकि बेसिकली बॉम कॉस्ट होती है बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट, जिसका मतलब यहाँ पर यह कि यहाँ पे फोन के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स लगे उसकी कॉस्ट, इसके अंदर R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, शिपिंग की जाती है, टैक्सेस होते हैं और ऑब्वियसली कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो डेफिनेटली आप ऐसा नहीं समझ सकते कि 30,000 का आईफोन एप्पल आपको 1.5 लाख का बेच रही है। वेल, कुछ हद तक सच भी है, कुछ हद तक नहीं भी है, लेकिन हाँ ये एक चीज है यहाँ पे। और इसके साथ ही फाइनली बात करने वाला हूँ ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, जिसके लेके काफी ज्यादा न्यूज यहाँ पे मार्केट के अंदर आ रही है। बेसिकली यहाँ पर यह पता चलता है कि ओला इलेक्ट्रिक कंपनी की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो इतनी अच्छी ना होने के कारण को कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ये पता चलता है कि ओला इलेक्ट्रिक के 80,000 व्हीकल्स जो है वो उनके सर्विस सेंटर पर यहाँ पर पड़े हुए हैं, हर महीने यहाँ पे सर्विस सेंटर्स पे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुआ है जिन्होंने ओला को नोटिस भेजा है जिससे उनकी सर्विस कैसी है ये पता लगाया जा सके और लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो जो आ रही है ओला इलेक्ट्रिक की सर्विस के कारण वो क्यों आ रही है ये देख के पता लगाया जा सके। अब देखने वाली बात है कि ओला इसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है और इससे कैसे आगे निकलता है। और इसी के साथ ही ओला ने अपनी हाइपर सर्विस को भी अनाउंस किया था, तो वो देखने वाली बात है उसे वो एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और जो कस्टमर्स को जो सर्विस की जो प्रॉब्लम और जो इश्यूज अभी आ रहे हैं ये अब यहाँ पे कैसे सॉल्व होंगे और जिनके एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं उनके अंदर कोई तेजी आती है कि नहीं आती, तो यार ये एक देखने वाली बात है यहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों यार ये था जिस पॉडकास्ट के अंदर, आपको मैं मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।